नमस्कार सत श्रीकाल वालेकुम आप सभी का आईआईटी आश्रम के ऑफिशियल चैनल पर स्वागत है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो प्रीवियस कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस किया था नंबर ऑफ़ फैक्टर्स नंबर ऑफ डिवाइजर्स और मैंने आपको वीडियो के एंड में एक कॉन्सेप्ट छोड़ा था कि आप ये क्वेश्चन ट्राई करें और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हैं वो हम डिस्कस करने वाले थे अगले वीडियो में तो वो वीडियो में लेकर आया हूँ आपके लिए आज अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको जब भी कोई नया वीडियो आए नोटिफिकेशन तुरंत मिले अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं भी देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रीवियस वीडियो का लिंक है उसे जाके आप पहले देखें और उसके बाद ही ये वीडियो कंटिन्यू करें सो so, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में यहां पर एंड किया था कि नंबर ऑफ फैक्टर्स में जब कंडीशंस लगाई जाएंगी हाउ विल वी क्रैक सच क्वेश्चन हम कैसे क्रैक करेंगे उसके बारे में बात करने वाले थे तो याद कीजिए प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था कि इसी नंबर के नंबर ऑफ फैक्टर्स किस तरीके से निकाले जाते हैं तो हमने एक फॉर्मूला देखा था कि अगर कोई नंबर है एन और अगर हम एन को ए टू दावर एम इंटू बी टू दावर एन इंटू सी टू द पावर पी एंड सो ऑन इस तरीके से प्राइम फैक्टराइजेशन कर दे तो नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का फॉर्मूला था कि पावर्स को प्लस वन करके मल्टीप्लाई कर दीजिए जिससे आपको क्या मिल जाएगा इससे आपको नंबर ऑफ फैक्टर्स नंबर के मिल जाते हैं यही पढ़ा था हमने बट अब यहां पे जो क्वेश्चंस हैं वो कंडीशनल हैं कि ऐसे कितने फैक्टर्स होंगे कितने डिवाइजर होंगे जो फोर से डिविजिबल होंगे कुछ फाइव से डिविजिबल भी होंगे कुछ टेन से डिविजिबल होंगे कुछ परफेक्ट स्क्वायर बनते होंगे तो ये कंडीशन कैसे निकालनी है कैसे सॉल्व करना है हम इनके बारे में बात करते हैं और शुरू करते हैं इस वीडियो को तो सवाल दिया हुआ है हाउ मेनी डिवाइजर्स

इंटू फाइव का स्क्वायर, राइट अभी बोल सकते हैं बारह सौ का जो प्राइम फैक्ट्रेशन बनेगा, बनेगा ये कितना है ना ट्वेंटी का फोर टाइम हंड्रेड हो गया और यहां पर डिवाइड हो गया डिड बाई फोर हो गया चार सौ है ना बिकॉज सिक्सटीन इंटू ट्वेंटी करने का शॉर्टकट क्या बताया गया था इसे कर दीजिए चार गुना और इसे कर दीजिए डिवाइड बाय फोर यानी चार सौ हो गया और चार सौ इंटू तीन कितना हो गया चार सौ इंटू तीन हो गया बारह सो राइट तो ये तो आपका प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया अब मुझे बोला गया है कि बताइए इसके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने आने वाले हैं तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का तो फॉर्मूला पता है आपको तो पहला जो सवाल है वो है आपका नंबर ऑफ फैक्टर्स कौन से नंबर टोटल तो वो कैसे निकालेंगे दिस इज गिवन बाय पावर्स को प्लस वन कर दीजिए ना फोर प्लस वन ये वन है तो वन प्लस वन और ये टू है तो टू प्लस वन दिस बच्चों यहां आपको मिल जाता है फाइव इंटू टू इंटू थ्री दिस गिव यू थर्टी तो थर्टी फैक्टर्स होंगे थर्टी डिवाइजर होंगे टोटल तो पहला सवाल जो है उसका आंसर क्या आ गया उसका आंसर आ गया थर्टी अग्री विद दिस नाउ सेकेंड सवाल लिखा हुआ है कि प्राइम नंबर्स कितने होंगे राइट right, कितने फैक्टर ऐसे होंगे जो प्राइम होंगे व्हाट हैपेंड राइट right, पहला हो गया अब सेकेंड सवाल दिया है प्राइम अब आप देख सकते हैं कि जो भी इसके प्राइम फैक्टर्स होंगे वो कौन से होंगे देखो ये प्राइम नंबर जो अपियर हो रहा है वही होंगे टू आएगा थ्री आएगा और फाइव आएगा ये दो तीन और पांच जितने आपको प्राइम नंबर दिख रहे वही जवाब होगा इसका कि टोटल नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर कितने होंगे थ्री होंगे अग्री अच्छा कंपोजिट अब यहां बच्चे गलती कर देते हैं बच्चे क्या करते हैं टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में से प्राइम वाले फैक्टर कर देते हैं और बोलते हैं ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी सेवन कंपोजिट फैक्टर होंगे क्या नहीं क्यों कंपोजिट का मतलब होता है, और जो होता है वो ना प्राइम में आता है ना कंपोजिट में आता है, प्राइम, में आता है।, क्या होता है प्राइम का एग्जैक्टली टू डिस्टिंग डिवाइजर ऐसा नंबर जिसको दो ही नंबर डिवाइड कर सकते हैं एग्जैक्टली दो कर सकते हैं ना तो ज्यादा ना कम तो वन जो है ना प्राइम है और वन जो है ना कंपोजिट है तो कंपोजिट कैसे निकालेंगे टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो है थर्टी उसमें से प्राइम वाले अलग कर दिए और एक फैक्टर और कौन सा वन वो सब ट्रैक्ट किया तो कितना आ जाता है बच्चों थर्टी माइनस फोर गिव यू ट्वेंटी सिक्स तो इस सवाल का जवाब क्या होगा ट्वेंटी सिक्स होगा राइट तो ट्वेंटी सिक्स कंपोजिट फैक्टर होंगे थ्री होंगे प्राइम फैक्टर्स और टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने आ गए थर्टी राइट अब देखते हैं हम आगे कि अब डिविजिबल बाय फोर कैसे निकालेंगे इसको समझने के लिए हम वापस चलते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट याद कीजिए हमने जब इसका डेरिवेशन किया था इस कॉन्सेप्ट का तो हमने पढ़ा था कि आप नंबर को पहले प्राइम फैक्टराइज कर दीजिए सो प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया टू की पावर में फोर थ्री की पावर में वन और साथ में आ गया फाइव का स्क्वायर राइट अब अब देखिए कि आपको बताया गया था उस वीडियो में कि टू की कौन कौन सी पावर एक्सेप्टेबल है तो जो नंबर इसको डिवाइड कर सकता है उसमें या तो टू एक बार भी ना आए या तो टू एक बार आए या टू दो बार आए या टू तीन बार आए या फिर टू चार बार आए ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं उस नंबर में जो इसे डिवाइड कर रहा है टू की पावर की मतलब उस नंबर में टू मैक्सिमम चार बार आ सकता है क्योंकि हमारे नंबर में भी चार बार है याद कीजिए उस वीडियो में समझाया गया था ये थ्री की बात करते हैं या तो थ्री एक बार भी ना हो या तो थ्री मैक्सिमम एक बार हो क्योंकि हमारे नंबर में भी थ्री एक बार ही है उसके बाद फाइव की पावर या तो एक भी ना हो फाइव अवेलेबल ना हो उस नंबर में या तो फाइव एक बार आए या मैक्सिमम फाइव दो बार आ सकता है यही पॉसिबिलिटी थी फिर हमने क्या किया था हमने इन पॉसिबिलिटीज का मल्टीप्लाई किया था याद कीजिए तो टोटल पॉसिबिलिटी फाइव टोटल पॉसिबिलिटी यहां पर टू और टोटल पॉसिबिलिटी यहां पर थ्री

और टोटल कॉम्बिनेशन थर्टी बनते हैं ऐसे ही होता है कुछ है ना ये सारे कॉम्बिनेशन बनाए जाते हैं आप सारे कॉम्बिनेशन बनाते हो तो जितने कॉम्बिनेशन बनते हैं यहां को लाइनों के साथ में ये मिला के थर्टी बन जाते हैं अब मुझे पता है कि मुझे यहां पे वही कॉम्बिनेशन लेना है जो फोर से डिविजिबल है अब फोर से डिविजिबल कैसे मालूम पड़ेगा बच्चों फोर से डिविजिबल लाने के लिए ऐसा बोल सकते हैं कि उस नंबर में टू जो है कम से कम दो बार आना चाहिए क्योंकि अगर टू कम से कम दो बार नहीं आता तो नंबर फोर से डिविजिबल नहीं हो सकता मतलब टू की पावर जीरो उस नंबर में नहीं होनी चाहिए और टू की पावर वन भी नहीं होनी चाहिए अब जितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं वो टू स्क्वेयर से शुरू होंगे क्योंकि अगर टू स्क्वायर है उस नंबर में तो नंबर डिविजल बाय फोर होगा और अगर नहीं होगा तो नहीं होगा एग्जाम्पल एग्जाम्पल ये बताइए कि क्या ट्वेल्व को फोर्टी डिवाइड कर सकता है यस yes. तो आप खुद चेक कर सकते हैं और क्या ये फोर का मल्टीपल भी है यस yes. आप चेक कर सकते हैं फोर्टी के अंदर एक्चुअली जो टू है वो एटलीस्ट दो बार तो आता ही है तो दो बार आएगा तो भी चलेगा तीन बार आएगा तो भी चलेगा चार बार आएगा तो भी चलेगा एटलीस्ट दो बार होना चाहिए तो कोई भी नंबर अगर फोर का मल्टीपल है उसे फोर तो होना चाहिए ना सिंपल सी बात है दैट मीन ये वाली पॉसिबिलिटी हट गई यहां से तो अब मुझे बताइए कि अब अगर मैं फोर के मल्टीपल्स देखना चाहता हूं कि भाई फोर के मल्टीपल्स कौन से होंगे ऐसे कितने डिवाइजर होंगे जो फोर के मल्टीपल होंगे उसको काउंट करने के लिए मेरे पास अब यहां पे टू के लिए सिर्फ थ्री पॉसिबिलिटी बची उस नंबर में थ्री आए ना आए थ्री आएगा या नहीं आएगा उससे फोर की डिविजिबिलिटी पे फर्क नहीं पड़ता है हाँ ये कंफर्म है कि टू कम से कम दो बार आना चाहिए दैट्स दो बार आएगा तो भी चलेगा तीन बार आएगा तो भी चलेगा चार बार आएगा तो भी चलेगा थ्री जो है वो दो बार आना चाहिए दो पॉसिबिलिटी सॉरी और फाइव के लिए मेरे पास थ्री पॉसिबिलिटी है आप मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना आंसर आता है थ्री थ्री नाइन नाइन टू जटीन अट्ठारह फैक्टर अट्ठारह नंबर ऐसे होंगे जो ट्वेल्व हंड्रेड के डिवाइजर हैं और साथ साथ में फोर के मल्टीपल भी हैं तो आपको करना क्या है आपको यह करना है कि जो भी आपका नंबर है जो भी आपका नंबर है उस नंबर की कंडीशन देखिए क्या होनी चाहिए और उस कंडीशन के अकॉर्डिंगली निकाल लीजिए कटिंग माई पॉइंट ओके आपको और क्लैरिटी आएगा से अब फाइव की बात करते हैं अब 1200 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन था वो क्या था वो था टू की पावर फोर इन टू सॉरी पहले थ्री लिखते हैं ऑर्डर में जाते हैं तो टू की पावर फोर इंटू थ्री इंटू फाइव का स्क्वायर यही था अब बोला गया है आपको कि नंबर फाइव से डिविजिबल चाहिए अब अगर नंबर फाइव से डिविजिबल चाहिए इसका मतलब है टोटल पॉसिबिलिटी जो है फाइव की पावर जीरो फाइव की पावर वन और फाइव की पावर टू क्योंकि मैक्सिमम पांच दो बार आ सकता है थ्री की बात करते हैं थ्री या तो एक बार भी ना आए या एक बार आए टू की बात करते हैं टू या तो एक बार भी ना आए या एक बार आए टू स्क्वायर होगा तो भी चलेगा टू क्यूब भी चलेगा टू की पावर फोर भी चलेगा लेकिन क्योंकि नंबर फाइव का मल्टीपल चाहिए डिविजिबल बाय फाइव चाहिए दैट मीन्स उस नंबर में फाइव तो होना ही चाहिए दैट मीन्स फाइव की पावर जीरो वाली पॉसिबिलिटी नहीं होनी चाहिए क्योंकि अगर फाइव की पावर जीरो आपने कॉम्बिनेशन बना दिया लेट्स से टू की पावर वन थ्री की पावर वन और फाइव की पावर जीरो तो बच्चों टू की पावर वन थ्री की पावर वन और फाइव की पावर जीरो सिक्स होता है जो कि फाइव का मल्टीपल नहीं है तो फाइव की पावर जीरो तो आनी ही नहीं चाहिए टू आए ना आए उससे फर्क नहीं पड़ेगा टू के लिए मेरे पास पांच पॉसिबिलिटी है थ्री आए ना आए चलेगा आएगा तो भी एक्सेप्टेबल है नहीं आएगा थ्री की पावर जीरो होगी तो भी एक्सेप्टेबल है दो पॉसिबिलिटी है और फाइव फाइव तो आना ही चाहिए एक बार तो आना ही चाहिए तो फाइव की पावर वन और फाइव की पावर टू दो पॉसिबिलिटी है इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए 20. 20 होंगे, 1200 के, जो 20 होंगे right? अब आपको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग करके सक, दिखा सकते हो क्या कोई बात नहीं मैं काम करता हूं वेरीफाई करने के लिए मैं एक नंबर लेता हूं थोड़ा छोटा ठीक है मैं काम करता हूं यहां से एक जीरो मैं 120 की बात करता हूँ तो सारे लिख सकता हूँ तो एक काम करते हैं पहले 120 पे समझ लेते हैं तो 120 की बात करते हैं तो 120 के नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल लेते हैं अब ये आएगा आपका 120 का मतलब होता है आ, 15 एट का मतलब हो गया टू क्यूब और ये हो गया थ्री इंटू फाइव अग्रीवि बच्चों तो ये तो फैक्टराइजेशन हो गया अब मैं काम करता हूं इसके सारे फैक्टर लिख देता हूं 120 के 120 को कौन कौन करता है डिवाइड तो 120 को वन करता है डिवाइड टू कैन डिवाइड थ्री कैन डिवाइड फोर डिवाइड कर सकता है फाइव कर सकता है फाइव डिवाइड कर सकता है उसके बाद सिक्स भी डिवाइड कर देगा सेवन नहीं कर पाएगा लेकिन एट एट डिवाइड कर सकता है वन ट्वेंटी को यस नाइन डिवाइड नहीं कर सकता टेन कैन डिवाइड ट्वेल्व कैन डिवाइड फिफ्टीन कैन डिवाइड फाइव हमेशा मेरा गड़बड़ बन जाता है यार डिजिटल बोर्ड की अभी आदत पड़ी नहीं है तो फिफ्टीन कैन डिवाइड राइट सिक्सटीन सेवनटीन एटीन एटीन है क्या डिवाइड एटीन नहीं कर पाएगा ट्वेंटी डिवाइड कर सकता है बिल्कुल कर सकता है ट्वेंटी फोर भी डिवाइड कर देगा थर्टी भी डिवाइड कर सकता है उसके बाद में फोर्टी डिवाइड कर सकता है सिक्सटी कर सकता है और वन ट्वेंटी कर सकता है भाई ये तो मैंने काउंट कर लिए है ना प्लीज़ डोंट ट्राई दिस एट होम ये ट्राई मत कीजिएगा ये जरूरत नहीं है इसकी कितने हैं पहले देख लेते हैं काउंटिंग तो कर लेते हैं ये नंबर कितने आते हैं तो बच्चों देखो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सोलह फैक्टर आ रहे हैं वो यहां से भी आने चाहिए अब अगर देखें इसको तो आपको पता है फॉर्मूले के हिसाब से जाओगे तो थ्री प्लस वन कितना हो गया फोर वन प्लस वन कितना हो गया टू और फिर वन प्लस वन कितना हो गया टू करिए मल्टीप्लाई क्या ये सोलह आ रहा है यस फोर टू जट एट टू जिक्सटीन सिक्सटीन फैक्टर हो गए राइट right. अब सपोज मान लेते हमसे यह पूछा होता कि ऐसे कितने फैक्टर्स हैं ऐसे कितने फैक्टर्स हैं 120 के जो कोई कंडीशन फॉलो करवा लेते हैं लेट्स से फाइव के मल्टीपल है ठीक uh, है, है? इसका मतलब है टू की पावर जीरो टू की पावर वन टू की पावर टू और टू की पावर थ्री थ्री की पावर जीरो थ्री की पावर वन फाइव की पावर जीरो और फाइव की पावर वन ये सारी पॉसिबिलिटीज हैं पर क्योंकि नंबर हमको किसका मल्टीपल चाहिए बच्चों हमें चाहिए नंबर फाइव का मल्टीपल तो फाइव तो आना ही चाहिए यानी की पावर एक्सेप्टेबल नहीं है तो यहां पे कितनी पॉसिबिलिटी है यहां पे चार पॉसिबिलिटी है क्योंकि फाइव आना चाहिए टू आए ना आए उससे फाइव की डिजिबिव फर्क थोड़ी पड़ेगा तो ये कुछ भी आ जाए टू कितनी बार भी आए चलेगा चारों केस एक्सेप्टेबल है यहां पर दो केस चलेंगे हमारे लिए और यहां पर एक ही केस चल सकता है बिकॉज फाइव की पावर वन आना चाहिए तो कितना हो गया बच्चों आठ आठ फैक्टर ऐसे होंगे जो फाइव के मल्टीपल होंगे है ना फोर टू साइड आ रहा है ना आठ फैक्टर देखते हैं से आठ है क्या देखो एक फोर नहीं सॉरी फाइव का मल्टीपल ढूंढ रहे हैं ना अपन तो फोर कहां से आएगा फाइव का मल्टीपल ढूंढना है तो फाइव के मल्टीपल कौन कौन से हैं आठ नंबर मिलने चाहिए एक दो तीन ट्वेंटी भी डिविजिबल है थर्टी भी डिविजिबल है फोर्टी भी डिविजिबल है

तो नंबर डिविजिबल बाय फोर हो जाएगा राइट तो अब मुझे बताइए फोर आना चाहिए मतलब टू की पावर जीरो एक्सेप्टेबल नहीं है और टू की पावर वन एक्सेप्टेबल नहीं क्योंकि का मतलब स्क्वायर होता है कम से कम से दो बार तो आना ही चाहिए अब अब तुम जितने भी कॉम्बिनेशन बनाओगे यहां पे ये कॉम्बिनेशन चाहिए कॉम्बिनेशन आगे कोई भी कॉम्बिनेशन बनाओगे इस तरीके से उन सभी नंबर्स के अंदर टू तो दो बार आएगा ही आएगा और अगर टू दो बार आएगा मतलब नंबर डिविजिबल होगा हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज लेफ्ट आउट दो पॉसिबिलिटी बची है मेरे पास यहां पे दो पॉसिबिलिटी क्योंकि थ्री का आना ना आना फोर की डिविजिबिलिटी पे फर्क नहीं डालता और यहां पे भी दो पॉसिबिलिटी तो यहां पर भी बच्चों कितना आ रहा है यहां पर भी मेरा आंसर आ रहा है एट यानी आठ फैक्टर ऐसे हैं जो फोर के डिज मल्टीपल है फोर से डिविजिबल है आठ फैक्टर कौन कौन से है फोर एट भी डिविजिबल है फोर से ट्वेल्व भी डिविजिबल है फोर से ट्वेंटी भी डिविजिबल है 24 भी डिविजिबल है 30 डिविजिबल नहीं है 40 है 60 है और 120 है आप चेक कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से आपको कंडीशन लगानी होती है राइट right? अच्छा अब आगे चलते हैं अब हम समझते हैं 120 सॉरी 1200 के लिए ऐसे कितने फैक्टर होंगे जो 10 के मल्टीपल होंगे तो 10 का मतलब क्या होता है 10 का मतलब होता है 2 5 मतलब 10 से अगर कोई नंबर डिविजिबल है तो उसमें टू और फाइव दोनों आने चाहिए अब देखिए ध्यान से कि जो ट्वेल्व हंड्रेड हमारा नंबर है उसका प्राइम फैक्ट्रेशन क्या था उसका प्राइम फैक्ट्रेशन था टू की पावर फोर इंटू थ्री की पावर वन इंटू फाइव की पावर टू यही था अब खुद देखिए पॉसिबिलिटीज लिख लीजिए पॉसिबिलिटी लिखने से क्या होता है थोड़ी क्लैरिटी आती है यानी जो भी उसका डिवाइजर होगा उसमें या तो टू की पावर जीरो होगी या टू की पावर वन होगी या टू होगी या थ्री होगी या, हो या मैक्सिमम चार होगी थ्री या तो एक बार भी ना होगा या एक बार होगा फाइव या तो एक बार भी ना होगा या एक बार होगा या फिर दो बार होगा राइट right? लेकिन लेकिन आपको बोला हुआ है डिविजिबल बाय टेन, मतलब टू तो आना ही चाहिए और फाइव भी आना ही चाहिए यानी कि एक बार टू और एक बार फाइव तो मस्ट है यानी एक जीरो बार टू आया और जीरो बार फाइव आया वो नहीं चलेगा अब कितनी पॉसिबिलिटी बची इधर बची है चार पॉसिबिलिटी इधर बची है दो पॉसिबिलिटी और इधर बची है दो पॉसिबिलिटी तो ये कितना आता है बच्चों ये आता है फोर टू झा एट एट नंबर होंगे जो 10 से डिविजिबल होंगे तो 16 फैक्टर होते हैं ट्वेल्व हंड्रेड के सोलह फैक्टर जो कि दस से डिविजिबल होते हैं ठीक है बच्चों तो इस तरीके से कंडीशन लग जाती है अच्छा कोई अगर मुझे यह बोलता कि सर एक बात बताओ ऐसे कितने नंबर होंगे जो 12 के मल्टीपल होंगे let's, let's go to 12. हम 12 की बात कर लेते हैं। थोड़ा और थोड़ा क्लैरिटी आपको बोला होता कि ये 10 नहीं होता यहाँ पे 12 होता। कि कि ये नहीं पे के कितने होंगे टू तो है, 12 आता है 2 square और 3. ना टू स्क्वायर इंटू थ्री मतलब टू का स्क्वायर कम से कम आना चाहिए दो बार सॉरी नॉट टू का दो बार मतलब टू दो बार आना चाहिए अगर टू दो बार आएगा तो ही काम चलेगा क्योंकि ट्वेल्व मतलब क्या होता है बच्चों ट्वेल्व मतलब होता है टू स्क्र इन टू थ्री तो टू एटलीस्ट दो बार होना चाहिए तो ये हटा दीजिए ये पॉसिबिलिटी नहीं चलेगी और थ्री एक बार होना चाहिए यानी ये पॉसिबिलिटी नहीं चलेगी अब कोई भी कॉम्बिनेशन बनाओगे आप अब सभी कॉम्बिनेशन के अंदर आपको इतना पता है कि टू जो है वो कम से कम दो बार आएगा और जो थ्री है वो कम से कम एक बार आएगा ऐसा होगा तो नंबर ऑफ फैक्टर कितने होंगे देखिए ध्यान से तीन पॉसिबिलिटी इधर एक ही पॉसिबिलिटी बची है और इधर तीन पॉसिबिलिटी है यानी कि नाइन नौ फैक्टर बारह सो के ऐसे होंगे नाइन फैक्टर्स नाइन डिवाइजर्स नाइन डिवाइजर ऐसे होंगे जो ट्वेल्व के मल्टीपल होंगे तो इस तरीके से आप कंडीशंस लगा सकते हैं और कंडीशन लगा के आप देख सकते हैं कि क्या पैटर्न बन रहा है राइट right? अब हम चलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर की अगर बात करते हैं तो परफेक्ट स्क्वायर वही होता है आपको बता दूं जिसका रूट निकलता है अब अगर रूट निकलता है लेट से ए टू पावर एम इन टू बी टू पावर एन अगर ऐसा कुछ है और अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है तो बच्चों सोचो कंडीशन क्या होती है सोचो 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 यस yes, आप सही हैं आपको मालूम पड़ गया होगा कि जो एम होना चाहिए और जो एन होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए वो ईवन होना चाहिए एब्सोल्युटली राइट right. अगर वो ईवन होगा तो रूट के बाहर आ जाएगा और अगर रूट के बाहर आ गया तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा मानते हो कोई दिक्कत नहीं है इसमें क्या बोला मैंने कि कोई भी नंबर परफेक्ट स्क्वायर तभी हो सकता है जब उसके अंदर जो प्राइम नंबर्स की पावर है वो कैसी हो इवन हो तो ध्यान से देखिए अगर 1200 की बात करते हैं जिसका प्राइम फैक्टराइजेशन बार बार लिखना पड़ रहा है अपने को 2 की पावर 4, 3 की पावर 1, 5 की पावर टू. फैक्टर्स के अंदर जो जो पॉसिबिलिटी है वो कौन कौन सी है भाई यहां तो टू की पावर जीरो हो या टू की पावर वन हो या टू की पावर टू हो टू की पावर थ्री और टू की पावर फोर थ्री या तो एक बार भी ना आए या थ्री एक बार आए या तो फाइव एक बार भी ना आए या तो एक बार आए या तो फिर दो बार आए लेकिन लेकिन आपको क्या बोला गया है परफेक्ट स्क्वायर अब आप मुझे बताइए परफेक्ट स्क्वायर में हमने अभी देखा था कि पावर कैसी चाहिए इवन तो टू की पावर वन एक्सेप्टेबल नहीं है टू की पावर थ्री एक्सेप्टेबल नहीं है क्योंकि ऐसा हुआ तो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन पाएगा किसी भी नंबर में अगर टू की वन पावर अवेलेबल है तो रूट निकालते टाइम वो अटक जाएगा अगर क्यूब अवेलेबल है तो भी वो अटक जाएगा दैट्स इवन पावर ही होनी चाहिए थ्री की पावर वन नहीं चलेगी फाइव की पावर वन नहीं चलेगी अब तुम जितने कॉम्बिनेशन बनाना चाहो बना लो सारे कॉम्बिनेशन जब तुम बनाओगे टू की पावर जीरो थ्री की पावर जीरो फाइव की पावर जीरो एंड ऑल दी कॉम्बिनेशन वो सारे सभी के अंदर प्राइम नंबर्स की पावर इवन होगी और क्योंकि प्राइम नंबर्स की पावर इवन होगी तो नंबर हमेशा परफेक्ट स्क्वायर होगा हाउ मेनी पॉसिबिलिटीज वन टू एंड थ्री टू के लिए थ्री पॉसिबिलिटी थ्री के लिए वन पॉसिबिलिटी और फाइव के लिए टू पॉसिबिलिटी दैट्स वाई कितना आएगा बच्चों सिक्स सिक्स ही ऐसे फैक्टर होंगे बारह सौ के ट्वेल्व हंड्रेड के जो कि परफेक्ट स्क्वायर होंगे राइट right? तो आई होप आपको ये समझ में आया मैंने कैसे किया कि इस तरीके से मैंने कंडीशन लगाई हाउ टू फाइंड की डिविजिबल बाय होना चाहिए आपको बस देखना है है कि जो नंबर उसके अंदर प्राइम नंबर्स की कितनी एटलीस्ट पावर आनी चाहिए अगर टू कम से कम दो बार टू आना चाहिए थ्री अगर एक बार आ रहा है तो उसके अंदर थ्री एक बार आना चाहिए है ना इसी तरीके से आप यहाँ पे फिफ्टीन के डिवाइजर यानी ऐसे कितने नंबर होंगे ऐसे कितने डिवाइजर होंगे बारह के जो 15 से डिविजिबल होंगे अगर ऐसा सवाल आ गया तो 15 में थ्री और फाइव आता है मतलब कम से कम थ्री एक बार होना चाहिए और कम से कम फाइव एक बार होना चाहिए ज्यादा हुआ तो भी चलेगा तो कम से कम एक बार तो होना चाहिए मतलब टू आए ना आए कोई प्रॉब्लम नहीं है थ्री और फाइव एक एक बार आना चाहिए इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो शेयर कीजिए और एक और चीज अगर आपको इसमें कोई डाउट सकते हैं तो आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए विल ट्राई टू सॉल्व योर डाउट एज सुन एज पॉसिबल राइट थैंक यू